हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज हम साइंस का सेवेंथ चैप्टर जो कि बायोलॉजी का आपका सेकंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये हम करने जा रहे हैं आपकी बुक का सेवेंथ चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अब बच्चों जो हिंदी में कहते हैं नियंत्रण एवं समन्वय बच्चों ये मैं पूरा चैप्टर आपको करवाऊंगा इस चैप्टर का लगभग 80% परसेंट पार्ट आपके कोर्स से ही काट दिया गया है इस साल के सेशन के बच्चों के लिए 2020 और 2021 के सेशन के सभी बच्चों के लिए काट दिया गया है ये। लेकिन बच्चों नेक्स्ट ईयर आने वाले बच्चों के लिए ये नहीं कटा हुआ रहेगा सिर्फ इस बार की पेंडेमिक सिचुएशन के हिसाब से इसको काटा गया है बाकी ये चैप्टर ऐसा है कि आप सभी के लिए सीखना बहुत जरूरी है ये आगे फ्यूचर में आपके लिए जरूर लाभदायक होगा टाइम वेस्ट नहीं है एक तरह का एक अच्छा टॉपिक है जो कि आपको सीखना काफी जरूरी है तो बच्चों वैसे तो अगर कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये चैप्टर आपका दो क्लास का भी नहीं है मुश्किल से डेढ़ घंटे की क्लास लगेगी और आपका चैप्टर खत्म ठीक है फिर हम आगे बढ़ सकते हैं फिजिक्स के चैप्टर पे लेकिन प्यारे बच्चों मैं इसे इसलिए करवाना चाहता हूं ताकि आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिल जाए ठीक है हमारे पास इतना टाइम है कि हम दिसंबर से पहले पहले अपना कोर्स खत्म कर लेंगे बेफिक्र रहो ठीक है चलिए तो आज शुरू करते हैं बच्चों हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पहले कुछ बातें कर लें कि आखिरकार कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में होता क्या है बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि बच्चों अगर आप कहीं डांस कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप के बाद याद रहता है कि हाँ भाई मुझे ये स्टेप रखना है या आप कुछ एडवेंचरस स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने बॉडी पे कि भाई हाथ पे खड़े हो जाना फिर बैक फ्लिप मार देना या कुछ भी करना तो ये सब कैसे है ये कौन कंट्रोल कर रहा है आप कैसे बैक फ्लिप मारने के बाद जब एक इंसान एक पैर पे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता तो जस्ट बैक फ्लिप मार के सीधा खड़ा रह जा पाता है क्यों कभी कभी हम ऊंचा उच, ऊंचाई से कूद के भी नीचे सीधे खड़े हो जाते हैं क्यों तो ये सारी चीजें हम कैसे कर लेते हैं साइकिल जो दो पहियों में चलती है इतनी बेसिक सी चीज होती है लेकिन फिर भी हम उसको चला के काफी दूर तक चले जाते हैं ठीक है जबकि उसको में अगर पहली बार जब चलाना शुरू करते हैं तो हमारा बैलेंस बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो ये सारी चीज बच्चों हम कैसे कर लेते हैं ये सारी चीजें हम किस तरीके से पता कर लेते हैं कि आखिरकार हमें इन चीजों की जरूरत है तो ये सब हम जानेंगे तो सबसे पहले लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं वो प्लांट्स के बारे में पता करने जा रहे हैं अपने अंदर तो हम चेंज देखते ही हैं कि हाँ भाई हम खाना खाते हैं बड़े होते हैं फिर भाई क्या हम सांस भी लेते हैं न्यूट्रिशन भी करते हैं सब हमने सिक्स चैप्टर में पढ़ लिया लेकिन प्लांट के बारे में भी हमने पढ़ा लेकिन उनके अंदर एक छोटी सी कमी हमने नहीं पढ़ी कि आखिरकार उनकी बॉडी में चेंज लाने वाला कौन है तो बच्चों उनकी बॉडी में चेंज लाने वाला होता है हॉर्मोन लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा ये हार्मोन आपको यानी हार्मोन प्लांट को काम करने के लिए आदेश देते हैं और वो काम करते हैं कौन प्लांट्स। लेकिन आखिरकार ये प्लांट्स की तरफ काम करने के लिए कैसे अग्रसर होते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं कैसे काम करने के लिए इनको कौन बोलता है बिना अब जैसे हम है भाई हम लोग हम बड़े ढीठ जब तक हमारे मम्मी पापा हमें दस बात ना सुना हम आगे नहीं बढ़ते ठीक है, लेकिन इनके लिए ऐसा नहीं है भाई इनके मम्मी पापा हैं नहीं है कोई वो नहीं ठीक है इनको कोई डांटने वाला नहीं अपने आप ये सुबह उठ जाएंगे काम कर लेंगे जो भी इनका जो भी इनका डेली रूटीन है वो करते ही है। इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती तो कैसे क्योंकि इनके साथ दो तरह के कंडीशन लगे होते हैं एक एक लगा होता है एक वर्ड लगा होता है ट्रॉपिज्म और एक लगा होता है स्टिमुल ट्रोपिज्म और इष्टोमली हिंदी में अनुवर्तक अनुवर्तक और उद्दीपक कौन है भाई ये दोनों अनुवर्तक और उद्दीपक ट्रोपिज्म मतलब क्या ट्रोपिज्म करने वाला क्या कि भाई जैसे मान लो कोई एक बच्चा है या कोई भी है पेरेंट्स उसको थप्पड़ मारने के लिए हाथ ऐसे करते हैं तो बच्चा अभी लगा भी नहीं और ऐसे कर लेता है या गाल छुपा लेगा या ऐसे कर लेगा या डर के मारे रोने लग जाएगा तो ये सब नेचर कैसे आता है क्योंकि किसी पेरेंट्स ने जब उसकी तरफ हाथ उठा के मारने की कोशिश की तो वो उसपे एक मूवमेंट क्रिएट कर रहा है उस बच्चे के लिए क्या कर रहा है एक मूवमेंट क्रिएट कर रहा है और बदले में उसने अपना गाल छुपा लिया या हाथ लगा लिया या रोने लग गया वो उसके लिए क्या है भाई स्टूमली मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसकी वजह से जिसकी वजह से कोई चेंज आए ठीक है मतलब जिसकी वजह पे रिएक्शन किया जाए उसी को ट्रोपिज्म और स्टमली का रिलेशन कहा जाता है मतलब कि भाई हमें जैसा कि पता है कि जड़े पानी की तरफ बढ़ती हैं जड़ें जमीन की तरफ बढ़ती हैं तो मतलब क्या हुआ कि जमीन आपका कौन हो गया ट्रॉपिज्म अनुवर्तक ठीक और इष्टुमली कौन हो गई भाई जड़ें क्योंकि जड़ों को जरूरत है उनकी किनकी? जमीन की तो वो उनकी तरफ बढ़ रही है ठीक है ट्रॉपिज्म पानी ठीक है अब जड़ों को पानी की जरूरत है इसलिए वो पानी की तरफ बढ़ रही है केमिकल खाद वगैरह हम लोग डालते हैं जमीन में तो भाई उसकी जरूरत है तो बढ़ रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से बच्चों जब जब कोई मतलब प्लांट एटमोस्फेयर के हिसाब से रिएक्शन करे प्रतिक्रिया करे तो उसी को हम कहते हैं स्टुमली और जिसकी वजह से करे उसको हम कहते हैं ट्रॉपिज्म उसको हम क्या कहते हैं ट्रॉपिज्म और इन्हीं सब चीजों को कंट्रोल करना चैप्टर कहलाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो आइए लिखिए जरा इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे लिखिए the changes in the environment the changes in the environment the changes in the environment to which the changes in the environment to which the organisms the organisms respond and react respond and react are called stimuli आर कॉल्ड स्टुमली आर कॉल्ड स्टुमली ठीक है ठीक है हिंदी वाले लिखेंगे वातावरण में परिवर्तन वातावरण में परिवर्तन जिनके प्रति वातावरण में परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया दिखाते हैं जीव प्रतिक्रिया दिखाते हैं और सक्रिय रहते हैं और सक्रिय रहते हैं वो दीपक कहलाते हैं सक्रिय रहते हैं वो दीपक कहलाते हैं ठीक है जी चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगली लाइन में लिखेंगे बच्चों द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म of an organism in a systematic manner in a systematic manner so as to produce a proper so as to produce a proper respond so as to produce a proper respond टू coordination. टू देशन इज कॉल्ड है हिंदी वाले लिखेंगे हिंदी वाले लिखेंगे बच्चों लिखिए हिंदी वाले लिखेंगे उद्दीपक के प्रति उचित प्रतिक्रिया उद्दीपक के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी जीव के विभिन्न अंगों का किसी जीव के विभिन्न अंगों का परस्पर विभिन्न अंगों का परस्पर सुसंगठित ढंग से यानी एक साथ परस्पर एक साथ कार्य करना ऐसे लिखो परस्पर एक साथ कार्य करना परस्पर एक साथ कार्य करना समन्वय कहलाता है समन्वय कहलाता है मतलब आप एक ही बार में हाथ भी चला लेते हैं पैर भी चला लेते हैं पूरी बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं ब्रेन को भी चला लेते हैं तो इन सबको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन समन्वय चलिए अब लिखेंगे प्लांट हॉर्मोन्स लिखिए टॉपिक का नाम लिखिए प्लांट हॉर्मोन्स प्लांट हार्मोन का दूसरा नाम होता है फाइटो हार्मोन प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स फाइटो हार्मोन्स ठीक है जी प्लांट हार्मोन फाइटो हार्मोन प्लांट हार्मोन क्या होता है बच्चों पादप हार्मोन हिंदी में कहेंगे पादप हार्मोन्स हार्मोन्स ठीक है भाई पादप हार्मोन तो इस तरीके से बच्चों हम बात करते हैं इसका दूसरा नाम फाइटो हार्मोन्स भी होता है वैसे इसके अंदर छह हार्मोन होते हैं लेकिन हमें चार पढ़ने हैं ठीक है चार हमें इसीलिए पढ़ने हैं क्योंकि पहली बात तो आपके कोर्स से कट गया है लेकिन आपके टेंथ में था तो इसीलिए मैं चार पढ़ा रहा हूं ठीक है चार पढ़ा रहा हूं अब आपको अच्छे से पता ही है भाई अब बात आती है अगर आपसे कोई पूछ ले अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई प्लांट को हार्मोन की क्या जरूरत है प्लांट को हार्मोन की क्या जरूरत है तो देखो जरूरत हमें भी ये जरूरत इन्हें भी है लेकिन इनको जरूरत होने का रीजन क्या है पहली बात इनके पास नाक आंख कान मुंह वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है और दूसरी बात क्या भाई इनके बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए सारे काम करने के लिए भाई किन चीजों की जरूरत पड़ती है हॉर्मोन्स की क्यों क्योंकि इनको खाना कोई बना के नहीं देता ये खाना किसी को कोई इनको भाई नाराज होने पे कोई खिलाता नहीं है ठीक है या इनके कोई शौक मोज नहीं है कि हाँ भाई इनके ब्रेन में ऐसा कुछ चल रहा है कि चलो बहुत सारी चीजें कंट्रोल करें कोऑर्डिनेट करें ऐसा कुछ नहीं इनके जो बेसिक्स काम है वही पूरे दिन ये करते रहते हैं जिनको चलाने के लिए इन्हें किन चीजों की जरूरत पड़ती है भाई हॉर्मोन्स की जरूरत पड़ती है तो मतलब अपने बेसिक फंक्शन को पूरा करने के लिए प्लांट्स को किन की जरूरत पड़ती है भाई हॉर्मोन्स की जरूरत पड़ती है तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्लांट को हॉर्मोन की जरूरत क्या है तो भाई आप बताएंगे अपने बेसिक फंक्शन को पूरा करने के लिए प्लांट्स को हार्मोन की जरूरत पड़ती है और हम चार हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे मैं पहले समझा दे रहा हूं फिर आपको इसके बारे में मैं लिखवा दूंगा कुछ पॉइंट जो छूटेंगे वो लिख जाएंगे ठीक है जैसे सबसे पहला इनका जो सबसे मेन हार्मोन होता है वो ऑक्जीन हार्मोन होता है कौन सा हार्मोन होता है बच्चों ऑक्जीन हार्मोन। बच्चों ये इसका सबसे मेन हार्मोन होता है ये इसका एक तरह का क्या होता है बच्चों ये एक तरह का भाई ग्रोथ हॉर्मोन होता है इसका ग्रोथ हॉर्मोन होता है ये इसके हाइट में ठीक है ये इसके हाइट में विथ में हर चीज में मदद करता है ग्रोथ करने में भी विड्थ करने में भी ठीक है हर चीज में मदद करता है ठीक है फलों को पकाने में मदद करता है डोरमेंसिन सीड करता है ठीक है मतलब डोरमेंसिन सीड का मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ ठीक है मतलब क्या जैसे कोई सीड है सीड में से पहली कली बाहर निकल के थे ऐसे कली है उसको फट कैसे बाहर निकलती है तो ये सारी मतलब जितने भी माइटोसिस के प्रोसेस हैं। वो सब कौन करता है ऑक्सीन और सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन ये कहां पे पाया जाता है ये आपको ज्यादातर कहाँ पे मिलेगा जितनी भी सूट्स होती हैं टहनिया होती हैं उनके टिप पर मिलता है उनके कहाँ पे मिलता है टिप पर क्यों क्योंकि टिप से ही ग्रोथ आगे बढ़ती चली जाती है क्योंकि जो भी प्लांट का जैसे ये प्लांट है और इसका ये टिप है तो यहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन की तादाद ज्यादा होगी ताकि ये लगातार इसमें क्या करता रहे ग्रोथ करता रहे लगातार क्या करता रहे ग्रोथ करता रहे तो बच्चों यही होता है कि ऑक्सीजी हार्मोन ऑक्सीजीन हार्मोन ग्रोथ का काम करता है और ये ग्रोथ कैसा भी हो सकता है फल पकाने का बीज में से कली बाहर निकालने का फूल बाहर निकालने का ठीक है और या उनकी हाइट बढ़ाने का या विड्थ बढ़ाने का तो ये सारे काम कौन करता है बच्चों ऑक्सीजन करता है ठीक है अच्छा अगला अगला क्या भाई अगला आता है बच्चों आपका नेक्स्ट हार्मोन आता है आपका जिब्रेलिन कौन सा आता है आपका ये आता है बच्चों जिब्रेलिन हार्मोन. पहले बच्चों, जिब्रेलिन हार्मोन जो है इम्lly, इम्lly. ये भी बच्चों इसी प्रकार का होता है ये भी इसी प्रकार का होता है ठीक है बस एक तरह से मान लो कि जिब्रेलिन ऑक्सीन का हेल्पर होता है मतलब हेल्पर मतलब क्या इसका दोस्त है भाई जो काम ये कर रहा है वही काम ये भी कर रहा है कौन जिब्रेलिन इसका काम भी फलों को पकाना ग्रोथ करना यही सारे काम है ठीक है बीज में से भाई क्या नई कली निकालना इस तरीके से ये सारे काम किसके हैं जिब्रेलिन के भी सेम काम है ठीक है फिर थर्ड आता है साइटोकिन इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं साइटोकिन ठीक है ठीक है भाई साइटोकाइनिन होता है सॉरी 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 साइटोकाइनिन ठीक है तो फिर का साइटोकाइनिन की स्पेलिंग भी अलग होगी एन एन आई काइन -e ठीक है नहीं एन आई एन एस एन एस होना चाहिए ये होगा साइटोकाइन होगा बच्चों ठीक है साइटोकाइन क्या होगा साइटो हां जी तो साइटोकाइन क्या करता है साइटोकाइन क्या करता है यह भी बच्चों ऑलमोस्ट सेम काम करता है इन्हीं के लिए बस एक नई चीज और करता है अपनी तरफ से क्या करता है बच्चों इसका दूसरा काम होता है नए पत्तों को उगाना न्यू लीव्स न्यू लीव्स डेवलप करना न्यू लीव्स डेवलप डेवलप और दूसरा ओपन स्टोमेटा टू ओपन स्टोमेटा टू ओपन स्टोमेटा क्या करता है बच्चों एक तो नए लीव को डेवलप करता है जो पतझड़ में गिर जाते हैं और साथ ही स्टोमेटा को क्या करता है बच्चों ये स्टोमेटा को क्या करता है ओपन करता है और लास्ट हार्मोन आता है इसका ए बी ए जिसे हम एबसेसिक एसिड भी कहते हैं एप्सैसिक ठीक है एसिड, ठीक है ए बी ए हिंदी में भी एप्सिस एसिड ही कहते हैं और बच्चों ये याद रखना ये ना बिल्कुल अपोजिट तरह का हार्मोन होता है अपोजिट मतलब क्या जैसे ये भी ग्रोथ करता है ये भी ग्रोथ करता है ये भी ग्रोथ करता है लेकिन ये पता क्या करता है ये ग्रोथ को रोकता है इनहाइबेटर होता है ये इनहाइबेट फैक्टर इनहाइबेटर ऑफ ग्रोथ मतलब क्या ग्रोथ को रोकता है क्यों रोकना जरूरी है अगर मान लो जिस पेड़ की हाइट हमारे से थोड़ी ऊपर तक होनी चाहिए अगर वो बहुत ऊपर तक चला जाएगा तो फिर क्या होगा इस तरीके से तो भाई अगर प्लांट ग्रोथ ही करते रह गए तो कभी जिंदगी में हमें छाव नहीं मिलेगी कोई फल ऊपर से गिरेगा तो भाई फल ही टूट जाएगा खत्म हो जाएगा फल और अब आप देखते हो जामुन है जामुन का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा उसकी भी हाइट अच्छी खासी होती है लेकिन जब जामुन ऊपर से गिर के नीचे आता है तो क्या वो खाने लायक रहता है बच्चों नहीं रहता वो आता है पड़ जाकर फैल जाता है ठीक है मतलब क्या पूरी तरीके से बिखर जाता है किसी लायक नहीं रहता तो यही कारण है कि इन के अंदर ग्रोथ इन हाइब्रिटर होते हैं जो एफसेसिक हो, एसिड होता है जो क्या करता है उसको रोक देता है किसको रोक देता है ग्रोथ को रोक देता है ताकि पेड़ हद से ज्यादा ऊपर भी ना जाए हाँ हर प्लांट का अलग अलग लेवल होता है अब ये मत कहना कि हाँ सर नारियल का पेड़ तो इतना बड़ा होता है आम का पेड़ छोटा सा होता है तो हर प्लांट की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है अब जैसे आप लोग हो आप लोग ही देख लो हर बच्चा अलग अलग तरीके का है कोई लंबा बच्चा है कोई छोटा बच्चा है कोई एवरेज बच्चा है कोई मोटा बच्चा है कोई पतला बच्चा है तो भाई क्या है हर किसी की बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग होती है तो इस तरीके से इसमें भी है ठीक दूसरा क्या भाई विल्टिंग ऑफ लीव्स विल्टिंग ऑफ लीव्स हिंदी वाले घबराए नहीं मैं सब कुछ लिखवाऊंगा ये भी ठीक है जैसे पत्तों को क्या कर देता है गिरा देता है पतझड़ के मौसम में और क्या करता है जैसे ये स्टोमेटा को खोलता है तो ये क्या करता है स्टोमेटा को बंद करता है टू क्लोज या स्टोमेटा टू क्लोज स्टोमेटा ये स्टोमेटा को क्या करता है बंद करता है तो बच्चों इस तरीके के इसके सारे काम क्या हैं अपोजिट हैं इसके सारे काम क्या है अपोजिट हैं मतलब ग्रोथ के अलावा जितने भी अपोजिट काम होते हैं सब कौन करता है एसिड करता है इसीलिए इसको एक तरह का ग्रोथ के हिसाब से अपोजिट हॉर्मोन भी कहा जाता है ठीक है चाहो तो इसको नोट कर लो वैसे कोई फायदा नहीं है मैं अभी सब कुछ लिखवाऊंगा ही आपको तो एक काम कीजिए लिखिए पहले हिंदी वालों को लिखवा रहे हैं ठीक है तो हिंदी वाले लिखेंगे पहले फिर हम आज हम यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको ट्रॉपिज्म पूरी तरीके से खत्म करा दूंगा ट्रॉपिज्म और नेस्टिक मूवमेंट वगैरह सब कुछ ठीक है चलिए क्योंकि आपको मैं बताऊं ये कितनी क्लासों में खत्म हो जाएगा आपके लिए ये आपके लिए एक आज की क्लास दो क्लास में आपका ये नेस्टिक मूवमेंट तक पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट फिर नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम एक क्लास का है ठीक है फिर ब्रेन है एक क्लास का हाँ मतलब तीन से चार क्लास में पांच क्लास मान लो मैक्सिमम पांच से मैक्सिमम क्लास छे क्लास में आपका मैं चैप्टर खत्म करके आपके लिए फिजिक्स की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी बेफिक्र होके ठीक है मेरा वैसे देखो अगस्त के मंथ में मैं फिजिक्स के चैप्टर पे होता हूं मतलब हम सिर्फ मात्र एक चैप्टर पीछे हैं लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द अपने उस टॉपिक पे आ जाऊं बिना छुड़वाए कुछ बिना छुड़वाए हाँ इस चैप्टर में जैसे अब इतना सारा मिस है तो एक दो चीजें अगर हम छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन जो पेपर माने लायक है तो करेंगे ठीक है लेकिन मैं फिर भी इस पूरे चैप्टर को कवर करूंगा उसके लिए आप बेफिक्र रहना ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं एक एक करके ऑक्सीन लिखेंगे पहले ऑक्जीन हार्मोन पहले लिखेंगे ऑक्सीन हार्मोन लिखिए ऑक्सिन हार्मोन ऑक्जीन हार्मोन जो पौधों में जो पौधों में कोशिका विवर्धन मतलब तोड़ना ब्रेक करना कोशिका विवर्धन जो पौधों में कोशिका विवर्धन और कोशिका विभेदन को प्रोत्साहित करता है और कोशिका विभेदन मतलब उसको ब्रेक करेगा तोड़ेगा नए बनाएगा फॉर्मेट करेगा इस तरीके से इसी को विवर्धन और विभेदन कहते हैं तथा कोशिका विभेदन को प्रोत्साहित करेगा और साथ ही फलों में भी वृद्धि करता है और साथ ही फलों में भी वृद्धि करता है फलों में भी वृद्धि करता है इसी की वजह से पौधे में वृद्धि दिखाई देती है इसी की वजह से पौधे में वृद्धि दिखाई देती है इसी की वजह से पौधे में वृद्धि दिखाई देती है ठीक है चलिए नेक्स्ट लिखेंगे जिब्रेलिन लिखो जिब्रेलिन जिब्रेलिन ऑक्जीन की उपस्थिति में कार्य करता है क्योंकि मैंने बताया था ना इसका हेल्पर होता है एक तरह का जिब्रेलिन ऑक्जीन की उपस्थिति में ही कार्य करता है और ऑक्सीजीन के सभी कार्यों में मदद करता है और ऑक्सीजी के सभी कार्यों में मदद करता है साथ ही साथ ही साथ ही यह बीजों और कलियों में प्रसुप्ति करता है बीजों और कलियों में प्रसुप्ति समझ गया ना प्रसुप्ति जैसे ये कली है इसको ऐसे करके खिलवा देगा ठीक है बीज है बीज में से फाड़ के उसका क्या निकालेगा जर्मिनेशन अंकुरन निकालेगा बीजों और कलियों में प्रसुप्ति करता है बीजों और कलियों में प्रसुप्ति करता है और साथ ही फलों में भी वृद्धि करता है और साथ ही फलों में भी वृद्धि करता है फलों में भी वृद्धि करता है और नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे साइटोकाइनिन्स, नेक्स्ट लिखेंगे साइटोकाइनिन्स, लिखिए लिखो लिखो यह कोशिका विभाजन को यह कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है यह कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है और साथ ही बीजों और कलियों में प्रसुप्ति भी करता है और साथ ही बीजों और कलियों में प्रसुप्ति भी करता है यह रंध्रों को खोलने में भी मदद करता है रंध्रों को खोलने में भी मदद करता है रंध्रों को खोलने में भी मदद करता है और साथ ही और साथ ही और साथ ही, ही पत्तियों की उम्र बढ़ने में भी रोकता है पत्तियों की उम्र बढ़ने से भी रोकता है मतलब जल्दी पत्तियां बूढ़ी ना होके मुरझाए ना जल्दी गिरे ना ठीक है पत्तियों की को पत्तियों को बूढ़े होने से भी रोकता है मतलब उनकी उम्र बढ़ाने से भी रोकता है ठीक है चलिए और आखिरी लिखेंगे एबीए एवसे अम्ल ए बी एवसेसिक अम्ल लिखिए यह पादप का एक मुख्य हार्मोन बनता है यह पादप का एक मुख्य हार्मोन बनता है क्योंकि यह एक वृद्धि रोधी हार्मोन है क्योंकि यह एक वृद्धि रोधी हार्मोन है यह पत्थियों को मुरझाने और गिराने में सहायता करता है यह पत्तियों को मुरझाने और गिराने में सहायता करता है पत्तियों को मुरझाने और गिराने में सहायता करता है यह स्टोमेटा को भी बंद करता है स्टोमेटा को भी बंद करता है और साथ ही फूलों और फलों को अलग भी करता है और साथ ही फूलों और फलों को अलग भी करता है ठीक है जी फूलों और फलों को अलग भी करता है अब लिखेंगे इंग्लिश वाले लिखो भाई फटाफट पहले ऑक्सीन के बारे में लिख लो भाई लिखो ऑक्सीन ऑक्जींस आर द प्लांट हार्मोन्स। ऑक्सीस आर द प्लांट्स हार्मोन्स ऑक्सीजी आर द प्लांट्स हार्मोन्स विच प्रमोट सेन विच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट सेल एनलार्जमेंट कोशिकाओं को सेल्स को, को बढ़ाता है इंक्रीज करता है सेल्स एनलार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंसिएशन एंड सेल डिफ्रेंसिएशन एंड प्रमोट फ्रूट ग्रोथ ऑल्सो एंड प्रमोट फ्रूट फ्रूट ग्रोथ ऑल्सो फ्रूट ग्रोथ ऑल्सो ठीक है सेकंड लिखेंगे जिब्रेलिन जिब्रेलिन्स लिखो जिब्रेलिंस आर द प्लांट हार्मोन व्हिच प्रमोट व्हिच प्रमोट cell enlargement which promote cell enlargement and cell differentiation and cell differentiation in the presence of oxygen in the presence of oxygen it help in breaking इट हेल्प इन ब्रेकिंग इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन द सीड्स एंड बर्ड्स द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स डोरमेंसी समझते ना वही जैसे मैंने बता था कली को ऐसे खिला के उसमें से बाहर निकाल देना ठीक है या फूल को फाड़ के ठीक है अपने एक वो अंकुरन या जर्मिनेशन निकालना द डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स ठीक है आगे लिखेंगे दे ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ दे ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ दे ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ नेक्स्ट लिखेंगे साइटोकाइन साइटोकाइन साइटोकाइनिंस लिखो लिखेंगे इट प्रमोट्स सेल डिविजन इन प्लांट It promotes cell division in plants and help and helps in and helps in and helps in breaking the helps in breaking the dormancy of seeds and birds. Breaking the dormancy of seeds and birds. Dormancy the seeds and birds. इट डिलेज द एजिंग इन लीव्स इट डिलेज एजिंग इन द लीव्स इट डिलेज द एजिंग इन लीव्स आगे लिखेंगे इट प्रमोट्स द ओपनिंग ऑफ एस्टोमैटा इट प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ एस्टोमैटा एंड फ्रूट ग्रोथ ऑल्सो एंड fruit growth also and fruit growth also lastly in a fourth fourth aba abscessic acid lego it is a it is a growth inhibitor hormone it is a growth inhibitor hormone it is a growth inhibitor hormone it promotes it promotes closing of stomata it promotes closing of stomata it promotes closing of stomata and wilting and falling the leaves and wilting and falling the leaves and wilting and falling the leaves wilting and falling the leaves it also causes is it also cause the detachment of fruit and flower it also cause detachment of fruit and flower डिटैचमेंट फ्रूट एंड फ्लावर ठीक है भाई तो देखो हमने ये चारों हार्मोन पढ़ लिए क्या होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ये पढ़ लिया सब कुछ जान लिया नेक्स्ट क्लास में ट्रॉपिज्म ट्रॉपिक मूवमेंट और नेक्स्टिक मूवमेंट पूरी तरीके से खत्म करा दिया जाएगा ठीक है तो ये आपका एक दूसरी क्लास होगी उसकी और उसके बाद दो तीन क्लास का और बचेगा चैप्टर फिर ये चैप्टर खत्म करके फिजिक्स पे के चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं